जहां पर सत्य और प्रामाणिकता है वहां पर बोध की स्थिरता है। दोनों के नाम बड़े मजेदार हैं। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है। उत्तम है। और यहीं पर व्यक्ति के जीवन की परीक्षा हो जाती है। आप चाहते क्या है? उत्तानपाद राजा ने क्या चाहा? उन्होंने रुचि चाही। अपने सुरुचि पत्नी से वो बहुत प्रेम करने लगे और उनके बेटे के प्रति भी उत्तम था। वो उत्तम नहीं था, वो रुचि के कारण वो उत्तम मालूम पड़ रहा था। जहां पर हमारी रुचि होती है वो चीज हमें उत्तम मालूम पड़ती है। वो उत्तम हो कि ना हो से कोई मतलब नहीं है। बाहर का जो सौंदर्य वो हमारे रुचि के दृष्टि में, बाहर की वस्तु सुंदर न भी हो और आपकी रुचि उसके प्रति हो तो वो चीज आपको अच्छी लगने लगती है, वो रुचिकर लगने लगती है, वो उत्तम लगने लगती है और उस उत्तमता को आप स्वीकार कर लेते हैं। जहां पर रुचि नहीं वो बहुत श्रेष्ठ होने के बाद भी आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन दोनों चीजें वो हमारे अंदर निकलती हैं। आप संपूर्ण विचारधाराओं के सृजक हैं लेकिन वहां पर हम फिसल जाते हैं। हम अपने दुराग्रही दृष्टि से किसी को स्वीकार करते हैं, किसी को अस्वीकार करते हैं। वो ध्रुव को नहीं चाहते थे और न वो ध्रुव के मां को चाहते थे। वो ध्रुव को नहीं चाहते थे इसलिए मां को नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं है। वो मां को नहीं चाहते थे इसलिए ध्रुव को नहीं चाहते थे। वो नीति को नहीं चाहते थे और यही कारण है कि वो ध्रुव को नहीं चाहते थे। एक बार की बात है, नारायण सम्राट उत्तानपाद विराज रहे हैं। उनके बगल में सुरुचि विराज रही है। दोनों बालक खेल रहे थे सामने, खेलते खेलते दोनों बालक राजा के पास आए। वो राजा के पुत्र थे, दोनों भी बराबर थे और राजा को उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना था। लेकिन राजा की नासमझी थी और वहां पर वो भेद कर रहे थे, उनके अंदर मानवता नहीं थी। पुत्र का वात्सल्य भले ही न हो लेकिन कम से कम मानवता तो होना था। आदमी को थोड़ा मानवीय होना बहुत जरूरी है। एक बड़ी रहस्य की बात है जो हमें अपने व्यवहार में इसको सीखना है। महर्षि अरविंद जी महाराज, उनके बाल्यकाल की बात है। उनके बाल्यकाल की बात है। जब वो बहुत छोटे थे नारायण, उनके पड़ोस में एक कोई परिवार था, उस परिवार के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी।
पड़ोस वाला कहीं बाहर जाने वाला था, उन्होंने अपने बालक को उनके घर में रखा और वो तीर्थयात्रा करने के लिए चले गए। उदाहरण बहुत मजेदार है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब वो दोनों बालक अरविंद और उनका दोस्त भोजन करने के लिए बैठता, महर्षि अरविंद की मां आती और वो गरम गरम रोटी पड़ोस वाले बच्चे को परोसती पहले, और अरविंद को वो पुरानी ठंडी रोटी परोस देती थी, और वो जब भी परोसती तो पड़ोस के बच्चे को पहले परोसती और अपने बच्चे को बाद में परोसती। महर्षि अरविंद छू के देखते, ये मेरी रोटी ठंडी है और उसकी रोटी गर्म, अरे बड़ा गुस्सा आता उनको, और वो सोचते कि मेरी माँ और मेरे को ठंडी रोटी देती है, बाद में रोटी देती है, और ये पड़ोस का बच्चा उसको पहले देती है और गर्म रोटी देती है, बात क्या है? क्या मेरे माँ का मेरे से प्रेम नहीं रहा? क्या पड़ोस के बच्चे से मेरे से ज्यादा प्रेम उनके मन में पैदा हुआ? एक दिन गुस्से में आए और रोते रोते अपने मन की बात मां को सुना दी। सौतेली मां को इतनी जलन हुई, उन्होंने ध्रुव को पकड़ करके खींचा, जमीन में उतार दिया और बहुत कठोर तक शब्द बोले नारायण। उन्होंने कहा कि तुम्हारी मां एक नौकरानी की तरह है, सेविका है, और तुम उसके बच्चे हो, इसलिए तुमको राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। तपसा आराध्य पुरुषम तस्सेवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयामि आत्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। उन्होंने कहा तुमको यदि मेरा बेटा बनना हो तो इस जन्म में संभव नहीं है। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तपसा आराध्य पुरुषम तस्सेवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयामि आत्मानं यदिच्छसि कृपासनम्। उन्होंने कहा कि तुम अब तो इस जन्म में मेरे पुत्र बनने से रहे, तुम्हें मेरा बेटा बनना पड़ेगा, तब तुम राजा के गोद में बैठ पाओगे। अहंकारी आदमी अपना विश्लेषण करता है अधिक। अहंकारी आदमी जब भी देखता है तो अपने को दूसरे की अपेक्षा बड़ा बना के दिखाता है, और वो बहुत बड़ा बना के दिखाता है। अहंकारी आदमी हमेशा तुलना करता है, दो की, तीन की, अनेकों की, और वो उसके बीच में अपने को सबसे बड़ा देखता है। यह अहंकारी व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है, और वो अपने को महत्वपूर्ण समझता है सबसे ज्यादा। और जब आप अपने आप को महत्वपूर्ण समझोगे तो दूसरे को छोटा समझोगे। एक सामान्य सा नियम है कि या तो आप बड़े होंगे या तो आपके आसपास के लोग, लेकिन आपने मूल्यांकन किया, अपनी लकीर लंबी खींच दी तो सामान्य स्वाभाविक है आपके आसपास के व्यक्ति की लकीर छोटी हो गई, और वो लकीर कोई जरूरी नहीं, वो प्रामाणिक हो। अज्ञानी आदमी जब भी लकीर खींचता है वहां उसका स्वार्थ होता है, उसका दुराग्रह होता है, उसकी नासमझी होती है, उसकी वासना होती है। यहां सुरुचि ने लकीर खींच दी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत पुण्यात्मा हूं, और तुमको यदि मेरा बेटा बनना होगा तो तुमको भी पुण्य करना होगा। तुम बहुत पुण्य करो, भगवान की आराधना करो। तपसा आराध्य पुरुषम, और भगवान की आराधना करने के बाद क्या होगा? उन्होंने कहा भगवान की आराधना करने से भगवान का अनुग्रह होगा तुम्हारे ऊपर, और उस अनुग्रह का फल कोई ज्ञान, कोई भक्ति, कोई वैराग्य या कोई धर्म का अनुष्ठान उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि भगवान की जब कृपा होगी, अनुग्रह होगा, तो तुम मेरे बेटे बन जाओ। मरे मेरा बेटा बनने के लिए तप करना पड़ेगा, भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, और उसके लिए फिर मरना ही तो पड़ेगा ना भाई। तप त्याग करो, मरो, और दूसरे जन्म में मेरा बेटा बनो। अब इस जन्म में तो तुम मेरे बेटे नहीं बन सकते हो। बात कठोरता के वचन नारायण उन्होंने कहे, विषमता के वचन कहे। 5 वर्ष का बालक ध्रुव मन व्यतीत हो उठा, बहुत परेशान हो गए, और रोते 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 अपनी मां के पास पहुंच गए, और वो सारी चीजें उन्होंने अपने मां को सुना दी। वो सारी चीजें नारायण मां ने सुनी, आप कल्पना कर सकते हो उसको सुनने के बाद उसको कितना कष्ट हुआ होगा। और उस समय उत्तानपाद राजा बगल में बैठे थे जब वो इस सारी चीजें बोल रही थी, और उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, उन्होंने रोका भी नहीं, रोकना था, उन्हें रोकना था, ये भी मेरा बेटा है, तुम क्या बोल रही हो। बहुत कष्ट हुआ, लेकिन उन्होंने उस कष्ट को सहन कर लिया। हमारे दादा गुरु जी महाराज के गुरु, परम गुरु उड़िया बाबा जी महाराज, उनको किसी ने पूछा, महाराज सिद्धि क्या है, साधु में सिद्धि क्या है?
या किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा आध्यात्मिक जीवन है, बहुत बड़ा कोई तपस्वी है, अनुष्ठान करने वाला है, उसके जीवन में सिद्धि क्या है? उन्होंने बहुत सामान्य रूप से नारायण उत्तर दिया। उन्होंने कहा सबसे बड़ी कोई सिद्धि है, बोले सहन करना। सहन करना ही सबसे बड़ी सिद्धि है, और ये बहुत महत्व की बात है नारायण, ये बहुत बहुत बड़े महत्व की बात है। आपके जीवन में जो विपत्तियां हैं वो सारी सहन न करने के कारण आती हैं। आपके जीवन में जितने भी पाप पैदा होते हैं, अनैतिकताएं पैदा होती हैं, धर्म भ्रष्टता पैदा होती है, भ्रष्टाचार पैदा होता है, वो सहन नहीं करने के कारण। आपके अंदर भूख है और उस भूख को सहन करते हैं तो आप कभी खाने की चोरी नहीं करोगे। आपके अंदर कोई वासना पैदा हो गई और उस वासना को सहन करने की आदत आपको है तो आप उस वासना को क्रियाओं में कभी उतारोगे नहीं। आप बैठे हैं पंगत में, आप साधु हैं, आपको किसी ने दक्षिणा नहीं दी, आपको मालूम पड़ा मेरे को दक्षिणा नहीं मिली, कष्ट होगा, और उस कष्ट को यदि आपने सहा तो आप चुपचाप बैठे रहोगे, और कष्ट को नहीं सहा तो आप उठ के खड़े होगे, चिल्लाओगे और सामने वालों को बोलोगे भैया मेरे को दक्षिणा नहीं मिली, दक्षिणा नहीं मिली, दक्षिणा नहीं मिली, परेशान कर दोगे, आप खुद भी परेशान हो जाओगे, दूसरे को भी परेशान करोगे। आपका मान हो, अपमान हो, सम्मान, आपको सहन करने की आदत होना चाहिए। इन विषयों की वासना जब पैदा हो जाए नारायण, तो उस वासना के काल में भी सहन करने की आदत होना चाहिए। एक छोटी सी बात है, हमारे सनातन संस्कृति में, भारतीय परिवारों में भोजन करने का एक बड़ा सुंदर नियम है। अभी कुंभ मेला में समष्टि भंडारे होते हैं, हजारों हजारों साधु एक साथ भोजन करते हैं, यह बड़ी आश्चर्य की बात है, यह दुनिया में बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। 2000, 3000, 4000 संत, कल हम लोग हमारे अटल पीठाधीश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज के ज्ञान गंगा मठ में भोजन करने के लिए गए थे, कम से कम 4000 साधु थे भोजन कर रहे थे, और उन 4000 साधुओं को परोसा गया, थाली परोसी गई, शांति से बैठे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बहुत सारे लोगों को वहां भूख लगी है, बहुत सारे लोगों को वहां भूख लगी है, थाली परोसी, सब शांति से बैठे। उसके बाद फिर चावल आया, किसी ने शुरू नहीं किया, रोटी आई, दाल आई, सब्जी आई, सब कुछ परोसा गया नारायण। और वहां छोटे छोटे बच्चे भी थे, गुरुकुल के बालक, और वो भी भोजन करने के लिए बैठे थे। इसी में बच्चे ने शुरुआत नहीं की, करना था ना, सामने भोजन है। लेकिन सबको मालूम था, सबको सारी चीजें जब मिल जाए तो हम एक साथ भोजन करेंगे, हम एक साथ 4000 लोग एक साथ भोजन शुरू करेंगे, कितना बड़ा संयम है। ये बहुत बड़ी अभद्रता है, आपके बगल वाले को अभी चावल नहीं मिला और आप भोजन शुरू कर दोगे, अभी आपके बगल वाले को रोटी नहीं मिली, आपके थाली में रोटी आई और आप भोजन खाना शुरू कर दोगे, ये तो बहुत बड़ी अमानवीय चीज हो गई। सबको सारी चीजें आने के बाद
पूछा जाता, भैया सबको सारा परोसा आ गया? और जब आ गया तो महानिर्वाण अखाड़ी की तूती बोलती हैं, फिर तू 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 तू, और बोलने के बाद सारे लोग भोजन करना शुरू कर देते हैं। आजकल की संस्कृति में धैर्य नहीं है, संयम नहीं है, वहां किसी भी प्रकार की सहनशीलता नहीं, भूख की सहनशीलता नहीं है। सामने नमक आया तो नमक ही खाना शुरू कर देते लोग, चटनी आई तो चटनी चाटना शुरू कर देते हैं, रोटी आई तो रोटी खाना शुरू कर देते हैं, सब्जी आने की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। और जब भोजन हुआ पूरा तो ऐसा नहीं किसी का भोजन पूरा हुआ तो उठ के चला जाए, नहीं नहीं, ये असभ्यता है। आपके बगल में कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है और उस व्यक्ति को छोड़कर आप उठ के चले जाते, ये बहुत बड़ी अव्यवस्था है। इसलिए देखा जाता है, भैया खाओ, आराम से खाओ, हम बैठे हैं, हम प्रतीक्षा करेंगे। 4000 लोगों में एक आदमी भी यदि भोजन कर रहा है तो वह एक आदमी भी नहीं उठेगा, बोलेंगे भैया ये भोजन कर रहा है, भोजन कर रहा है। सबको देखा जाता है घूम के, सब लोगों ने भोजन किया और उसके बाद फिर उठने का मंत्र बोल दिया जाता है। ये बहुत बड़ी सभ्यता है। एक मनुष्य के रूप में हम सब किस रूप में एक एक साथ बैठे, एक साथ भोजन करें, एक साथ उठे, एक बहुत बड़ी मानवीय अवधारणा है। और उस समय कोई नहीं पूछता है ये साधु कहां से आया, ये साधु किस जाति का है, ये साधु किस वर्ण का, कौन सी भाषा का है। छोटा बड़ा, विद्वान कम समझ वाला जो भी है, वो सारे पंथों के सारे महात्मा एक जगह पर बैठ करके इस रूप में भोजन करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये केवल साधु महात्माओं की बात नहीं है। गांवों में भी आप जाइए, हजारों हजारों लोग पंगत में बैठ करके एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ उठ जाते हैं। आपके अंदर सहनशीलता होना चाहिए, संयम होना चाहिए। सहनशीलता और संयम के अभाव में हमारा धैर्य टूट जाता है और जो हमको नहीं करना है वो सारी चीजें करने लगते हैं और विनाश को पैदा करते हैं। ये आध्यात्मिक होने की पहचान है समझ और संयम। हमारे जीवन में समझ और संयम है तो समाधान के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। हमें समाधान क्यों नहीं मिलता? समस्या से हम उलझ जाते, बाहर क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि संयम और समझ नहीं। हमें सीखना है, ध्रुव की मां से सीखना है। जब मालूम पड़ा ध्रुव की मां को मेरे लिए कितने बड़े अपशब्द बोले सौत ने, उन्होंने नौकरानी बोला, अस्तित्व विहीन बोला और उसके पुत्र को यहां तक बोला कि तुम पापिनी के गर्भ में पैदा हुए, तुमको पुण्यात्मा जो मैं मेरे गर्भ से पैदा होना होगा तो तपस्या करनी पड़ेगी, भगवान की कृपा को पाना होगा तब तुम मेरे बेटे बनोगे। इतनी सारी चीजें बोलने के बाद भी आपको बनना है, ध्रुव की मां बनना है, और ध्रुव की मां बने बिना ध्रुव जैसा बेटा बनाना भी असंभव है। नारायण मां पैदा करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार संतान। आप बीज हैं, माता पिता बीज, और जैसा बीज होता है वैसे संतान पैदा होती है। मां मंगलम तात परेशुमंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुःखदस्तत् दीर्घं श्वसन्ति मृजनस्य पारम् अपश्यन्तिं बालकमाह बाला सत्यं श्रुच्चाभिहितं भवान्मे
यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत। एक बहुत गहरी बात बोली नारायण, मां मंगलम। ओहो कितनी ऊंची बात बोली। देखो हम लोग होते तो झगड़ा शुरू कर देते। आपको किसी ने बोला गधा घोड़ा जो भी कुछ, और आपको मालूम पड़ा कि उस आदमी ने हमको घोड़ा बोला है, तो आप क्या करोगे? आप बहुत क्रोध में आओगे, ओ मेरे को और गधा बोला, मेरे को घोड़ा बोला, मेरे को मूर्ख बोला, और उसके बाद आप उसको प्रतिक्रिया दोगे, बहुत भयंकर प्रतिक्रिया दोगे। लेकिन यहां पर मालूम पड़ा सुनीति को बहुत भयंकर कड़वे शब्द मेरे लिए सौत ने बोले हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं, उल्टा इन्होंने अच्छाई ग्रहण की। बुराई में भी अच्छाई है, हम क्या ग्रहण करना चाहते हैं, यही तो हंस का स्वभाव है। आप बोलते हो ना क्षीर नीर विवेक, आपकी आदत है, जैसे आप सब्जी अमोनिया करते हैं तो आप सारी सब्जी को काट करके सब्जी नहीं बनाते, उसमें थोड़ा कचरा भी होगा ना, आप कचरे में सब्जी को बीन लेते हैं कि आप सब्जी में कचरे को बीन लेते हैं, ये दोनों भी चीजें, आप कचरे में सब्जी बीनते हैं या सब्जी में कचरा बीनते हैं। आपकी दृष्टि होती है सब्जी पर और वो कचरा कचरा एक तरफ और सब्जी सब्जी दूसरे तरफ, और सब्जी को उठा लेते हैं, कचरे को डस्टबिन में डाल लेते हैं। जो कचरा है वो त्याज्य है और जो सब्जी है वो ग्राह्य है, ये खीर नीर विवेक है, ये समझ है क्या लेना और क्या नहीं लेना, और बुराई में भी जो अच्छाइयां हैं उसको ग्रहण करना। किसी भी व्यक्ति को आप देखना उसमें अच्छाइयां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां, आप उसको किस रूप में लेते हैं ये आपके समझ पर निर्भर करता है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद देखो अच्छी बात उन्होंने ग्रहण की, मां मंगलम तात परेशु मंस्था, मां अमंगलम, मां अमंगलम तात बेटा। अब वो देखो कितना बहुत ही सुंदर निश्चल अक्रोध की अवस्था में है सुनीति, उसको किसी भी प्रकार कोई क्रोध नहीं है। इतना कुछ कठोर शब्द सुनने के बाद भी मन में किसी भी प्रकार की कोई विचलन फिसलन नहीं है, कुटस्थ है मन, कुटस्थ। और वो अपने बच्चे को बोल रही मां मंगलम, क्योंकि ध्रुव गुस्से में थे और वो गुस्से में अपने सौतीली मां को अपशब्द बोल रहे थे, वो अमंगल कामना कर रहे थे ध्रुव। ध्रुव के मन में अपने सौतीली मां के प्रति अमंगल की भावना पैदा हो गई थी और उसको दूर करने के लिए सुनीति कह रहे मां मंगलम तात, हे तात तुम अमंगल की कामना मत करो, तुम अपने सौतेली मां को अपशब्द मत कहो। बहुत गहरी बात है, कोई आदमी आपको गाली दे रहा हो तो आपके मन में उसके प्रति क्रोध पैदा हो जाता है, अमंगल की कामना पैदा हो जाती है। लेकिन ध्रुव के मन मां में कोई अमंगल की कामना पैदा नहीं हुई, उल्टा जो ध्रुव में अमंगल की कामना पैदा हुई उसको वो दूर कर रही है। बेटा मां मंगलम, तुम सौतेली मां से ऐसे अपशब्द नहीं कहोगे, वो तुम्हारी मां है, वो तुम्हारी मां है, सौतेली मां है, तुम्हारी मां है, और जो तुमको अपशब्द उन्होंने कहे वो तुम्हारे कारण नहीं कहे, मेरे कारण कहे। तुम अपने रिश्ते को नहीं बिगाड़ोगे,
तुम अपने माँ के प्रति सम्मान की भावना नहीं खोगे, तुम अपने पिता के प्रति सम्मान की भावना नहीं खोगे। वो तुम्हारे पिता है, वो तुम्हारी माँ है। रिश्ते तो हमारे खराब हैं। ये बहुत बड़ी समझ की बात है, बहुत बड़े समझ की। आ सौतेली माँ बहुत बुरी है, लेकिन वो सोचती है कि ये मेरे बेटे की माँ है। कितनी कितना बड़ा सोच है यार। अरे हम लोग तो कान भर देते हैं, अपने बच्चे के कान भर देते हैं, चाची बुरी है, चाची बड़ी खराब है। हम लोग बोल देते हैं चाचा तुम्हारे बड़े खराब है, आपस में बात करके अपने बच्चों की भावना भी बिगाड़ देते हैं चाचा चाची के प्रति। आप अपने रिश्तों के महत्व को बच्चों के सामने नहीं रख पाते और उन रिश्तों को आप तोड़ देते हो। दुनिया में जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है नारायण, वो है हमारे रिश्ते। कितना भी बड़ा त्याग करना पड़े, लेकिन कभी रिश्तों को टूटने नहीं देना चाहिए। ये बहुत बड़े गहरे रिश्ते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, ये बहुत सारे रिश्ते हैं हमारे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को समझाने की जरूरत है। हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ में ये रिश्ते न टूटने पाए, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने बच्चों को मन में एक विराट भावना भरने की जरूरत है। बेटा हमारा और तुम्हारे चाची का झगड़ा है, लेकिन तुम्हें झगड़े में नहीं पड़ोगे। जाओ, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी चाची है, जाओ तुम अपने चाची के पास। झगड़ा होने के बाद भी आपको चाचा के पास भेज देना चाहिए। तुमने तुम्हारी इच्छा है, जाओ जाओ चाचा के पास, तुम्हारे चाचा। तुम हमारा झगड़ा, तुम्हारा कहाँ झगड़ा है? हम लड़ेंगे भिड़ेंगे, लेकिन तुम अपने रिश्तों को नहीं बिगाड़ोगे हमारे कारण। बहुत गहरी बात बोली नारायण यहां। मां मंगलम। हे बेटा, तुम सौतेली मां के प्रति अपशब्द नहीं कहोगे। वो तुम्हारी मां है, वो तुम्हारी मां है। और तुम सोचो इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली तुम्हारे लिए, तुम्हारे हित में कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बोली। क्या बोली? सत्यम सुरुचा विहितम भवान्मि, भुंते जनो यत् पर दुःखदस्तत्। जो उन्होंने बोला उन वाक्यों पर नजर डालो, तुम्हें मालूम पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तुम भगवान का भजन करो, उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली, भगवान का भजन करो। आहा, मां ने कहा तुम इस अमंगल कामना को त्याग कर भगवान का भजन करो। तुम्हारी सौतेली मां ने बोला है भजन करो, और तुम गोद में बैठना चाहते थे पिता के गोद में, माने का पिता के गोद में। क्या परम पिता परमात्मा सबके पिता है, उसके गोद में क्यों नहीं बैठना चाहते हो? तुम ऐसी साधना करो और वो अटल जो परमात्मा की गोद है, जो मोक्ष है, जो परमात्मा, उसको पाने का पुरुषार्थ करो। माने नारायण उनके मन में गहरे पुरुषार्थ की भावना को पैदा कर दिया, और मां ने बोला बेटा कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है, अपने कर्मों से ही हम सुखी दुखी होते हैं। दोष हम दूसरे को देते हैं, लेकिन खुद के कर्मों का ही परिणाम है हम सुखी हो या दुखी हो, दारिद्र्य आए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप भोजन करो और मेरा पेट दुखे? आप भोजन ज्यादा कर रहे हैं और मेरा पेट दुखने लग जाए, ये संभव नहीं है। आप कर्म करो, उसका फल आपको मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा।
ध्रुव के मन में माँ ने सबसे पहले झाड़ू लगा के साफ कर दिया मन को। माँ के प्रति, सौतेली माँ के प्रति जो मन में दुर्भावना थी नारायण, उसको हटा दिया, साफ कर दिया। माँ के प्रति एक सद्भावना को निर्मित कर दिया और फिर उनमें भजन के संस्कार डाल दिए, साधना के संस्कार, और जीवन के एक लक्ष्य को तय कर दिया अपने बच्चे के सामने। ये माँ कोई सामान्य माँ नहीं है ध्रुव की। 5 वर्ष के बालक को माँ ने एक इशारा कर दिया, एक दिशा दी, एक अवधारणा दी, जीवन के लक्ष्य को पाने का उत्साह भर दिया। और उस समय मां के मन में पुत्र मोह नहीं आया, सौत के प्रति दुर्भावना नहीं आई। उस समय केवल एक बात थी, अपने बच्चे का जीवन सुधरे और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को ये प्राप्त कर सके। नाम तो ध्रुव है, ध्रुव मैंने एक बार जब वो संकल्प कर लेता है तो नारायण वो अपने जीवन की मंजिल को पाए बिना वापस नहीं लौटता है, यही तो ध्रुव है। हमें अपने जीवन में ध्रुव को जगाने की जरूरत है, हमें अपने जीवन में ध्रुव की मां को जगाने की आवश्यकता है। ये दुनिया की सारी माताएं ये ध्रुव की मां बने और वो अपने बच्चों के सामने आई हुई समस्या का समाधान बन सके। बच्चा पैदा करना सरल है लेकिन नारायण उसका निर्माण करना बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। मां की आज्ञा का पालन करते हुए सौतेली मां को प्रेरणा बनाकर ध्रुव निकल पड़े। 5 वर्ष की उम्र है ध्रुव की और वो जब नारायण निकले भगवान को पाने के लिए, माँ ने उनको कुछ दिया क्या खाने पीने की चीजें बांध के? नहीं, माँ को मालूम था मैं इसको कितनी चीजें बांध के दूंगी, मैं इनकी कितनी रक्षा करूंगी। माँ के मन में अगाध प्रेम था लेकिन वो प्रेम प्रतिबंध नहीं बना नारायण। बच्चे के विकास में कई बार माता पिता का प्रेम भी बाधक बन जाता है, अति प्रेम भी बाधक बन जाता है। आपके बच्चे कहीं दूर जाके पढ़ना चाहते हैं लेकिन माता पिता उसको पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, नहीं मेरा बेटा इतना दूर नहीं जाएगा। इसलिए कई बार नारायण हमारा वात्सल्य, हमारी अंधी आसक्ति बहुत बड़े विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। माँ ने भेज दिया, ध्रुव निकल पड़े। 5 वर्ष की उम्र है ध्रुव की, ओहो। आप जब साधना करने के लिए निकल पड़ते हैं तो आपके साधना की चिंता भगवान को हो जाती है। आप चल पड़ते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए तो परमात्मा आपके सारे साधन जुटा देते हैं, ये प्रकृति आपकी मदद करती है। आपको अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए चिंता नहीं करना है, आपको केवल चलना है, मार्ग बनाने का प्रयत्न करना है। ईश्वर, प्रकृति, आसपास के लोग आपकी मदद करते हैं। नाराजी महाराज जी का आगमन हुआ वहां। नाराजी महाराज ने देखा 5 वर्ष का बालक है और वो सौतेली मां के दुर्वचन श्रवण करके मां की प्रेरणा से भगवान को पाने के लिए निकल पड़ा है। 5 वर्ष की उम्र पे उम्र है, वहां कोई ना देश का बोध है और न काल का बोध है नारायण। 5 वर्ष का बालक यदि अपने घर से बाहर चला जाए, मोहल्ले से बाहर चला जाए तो उसको वापस आने का मार्ग नहीं मिलता है।
और वो 5 वर्ष का बालक परमात्मा को पाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में काटे कंकर, ओहो, नारद जी महाराज जी आ गए। नारायण नारायण नारायण, नारद जी महाराज ने देखा, गदगद हो गए, 5 वर्ष का बालक, ओहो, वो भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में जा रहे हैं। सामने खड़े हो गए नारद जी महाराज। साधु का संग नारायण हमारे जीवन में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूर्व जन्म का पुण्य, इस जन्म में इन्होंने कोई पुण्य नहीं किया था, 5 वर्ष की उम्र, पूर्व पुण्य का उदय, साधु और वो भी भगवान के परम भक्त, तीनों लोगों में विचरण करने वाली शक्ति जिनके पास है, ऐसे नारद जी महाराज सामने खड़े हो गए नारायण नारायण। और उन्होंने नारायण सामान्य लोगों की तरह भक्त प्रह्लाद के गुरु हैं, नारद जी महाराज भक्त प्रह्लाद के भी गुरु हैं, वो भी 5 वर्ष के, अभी आपको बताएंगे। और ये ध्रुव के भी गुरु, ये भी 5 वर्ष के हैं। और वो एक सामान्य लोगों की बात कर रहे हैं इनके साथ, बहुत हल्की फुल्की बातें की नारद जी महाराज ने ध्रुव के साथ। उन्होंने कहा, बेटा ये 5 वर्ष की उम्र कोई भजन साधना करने की उम्र है तुम्हारी? तुम जंगल में जाओगे, जंगल में शेर भालू चीते बहुत सारे प्रतिबंध, उन प्रतिबंधों को तुम पार कैसे करोगे? तुम घर लौट जाओ, अपने माता पिता के साथ रहो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और बूढ़े होने के बाद तुम भगवान का भजन करो। वापस लौटने की प्रेरणा दी नारद जी महाराज जी। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत धनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रीम समानादन्विच्छेत् नतापै रविभूयते। एक सामान्य बात बहुत सुंदर बोली नारद जी महाराज जी ने। आपसे कोई बहुत ज्यादा गुणवान आदमी हो ना, उसको देख के आनंदित हो जाना चाहिए। किसी बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति को देखो और प्रसन्न हो जाओ। क्यों भाई? विद्वान व्यक्ति का सानिध्य आपको मिला, कम से कम उनकी विद्वत्ता आपको मिलेगी। नहीं मिलेगी तो भी आप विद्वान के सानिध्य में रहोगे, विद्वान का संग होगा तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। कोई बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी आपके सामने आए ना, प्रसन्न हो जाना चाहिए। ओहो, हमारे गांव में इतना बड़ा पैसे वाला आदमी है, आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए, आपके गांव में है वो, क्योंकि समय आने पर वो आपकी मदद कर सकता है, और नहीं भी कर सकता तो भी आपके गांव का गौरव है वो, वो आपके गांव का संरक्षक है, वो बहुत बड़ी चीज है, आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात्। और कोई कम गुण वाला हो उसके प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा गुणवान है और बगल वाला कम गुण वाला है, कम समझ वाला है, कम धन वाला है, कम रूप वाला है, तो उसके प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए, दया की भावना रखनी चाहिए। ओहो ठीक, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, अहंकार में उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और जब कोई बराबर वाला हो नारायण, बराबर वाला गुणवान, बराबर वाला ज्ञानवान धनवान, मैत्रीम समानादन विच्छेन, बोले उसके साथ दोस्ती का भाव रखना चाहिए, बराबर में दोस्ती का भाव रखना चाहिए। और ऐसा भाव यदि आप रखोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, कभी जलन पैदा नहीं होगी, कभी आपके मन में अहंकार पैदा नहीं होगा, सामने वाले का तिरस्कार करने की भावना कभी आपके मन में पैदा नहीं होगी। बहुत अच्छा उपदेश दिया, लेकिन
ध्रुव ने अच्छा उपदेश तो ग्रहण किया, लेकिन लौट करके घर जाने वाली बात उन्होंने स्वीकार नहीं की। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ती। जो धीर वीर पुरुष होते हैं ना, वो आगे वाले कदम को कभी पीछे नहीं लौटाते। सेना का जवान परमवीर चक्र लेता है, क्यों? वो अशोक चक्र लेता है, परमवीर चक्र लेता है, क्यों लेता है? नारायण वो गोलियां झेलता है छाती में। जो परमवीर पाने वाला वीर होता है, उसके पीठ पर गोलियां नहीं होती, उसके सामने छाती में गोलियां। अनेकों संघर्षों के बाद भी वो अपने कदम वापस नहीं लेता है, सीमा की रक्षा करता है, और वो परमवीर है। आपने साधना का कदम आगे बढ़ाया है, अब वो पीछे नहीं जाए। आपने जीवन में वैराग्य धारण किया, वो वैराग्य उस परम तत्व परमात्मा तक पहुंचाने तक वो बनाए रखेंगे, उसको आगे बढ़ेंगे, उसको समाप्त नहीं होने देंगे। ऐसा ध्रुव नारायण, उन्होंने कहा भगवान मेरे मां ने कहा है भगवान को पाना है और कुछ नहीं, जीवन का लक्ष्य है। मेरे को मोक्ष को पा लेना है, वही जीवन का लक्ष्य है, और ये लक्ष्य पाए बिना अब मैं वापस लौटने वाला नहीं हूं, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। चाहे जीवन समाप्त हो जाए, चाहे अनेक कष्ट मेरे को मिले, चाहे तो आप मेरी मदद कर सकते हो, मार्गदर्शक बन सकते हो, गुरु बन सकते हो। बड़े प्रसन्न हो गए नारायण, नारद जी महाराज। ओहो, नारद जी महाराज तो साक्षात परमात्मा का अवतार, भगवान का अवतार है। विरक्ता नाम शिरोमणि, परम वैराग्य धारण किए हुए नारद जी महाराज, और नारद जी महाराज ने सिर पर हाथ रखा ध्रुव के, और हाथ रख करके नारायण आशीर्वाद दिया और मंत्र दीक्षा भी दे दी। ये सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्रे नानीन देवस्य पुर्या द्रव्यमयं बुध, एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनं, धर्मार्थ काम मोक्षाख्यं य इच्छेत् श्री आत्मन, तत्तात्थ गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटे शुचि, पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे। बहुत सुंदर बात बोली नारायण, उन्होंने मंत्र दीक्षा हुई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र मिला। और मंत्र जबकि विधा भी उन्होंने बता दी, देश भी बता दिया। मैंने आपको कहा था सुबह के साधना सत्र में, आप जब मंत्र का जप करें तो आपका मन और मंत्र एक हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप ऐसा जप करो कि मन और मंत्र अलग ही ना रहे। लंबी गहरी श्वास ले और उन श्वासों को मंत्र में ढाल दे, मंत्रों को श्वासों में ढाल दे, और हमारे प्राण और हमारा मंत्र एक हो जाए। निरंतर प्रभु का स्मरण करना है। आपको चले जाना चाहिए यमुना के पावन तट पर, मधुवन जो मथुरा का स्थान है नारायण, और वहां पावन यमुना के तट पर कोई एक देश, पावन यमुना का किनारा ढूंढ लेना है, और वहां बैठ करके इस मंत्र का आपको जप करना है।
उन्होंने और एक बात बोली, द्रव्यमयम बुधा, आपको भगवान की मूर्ति बना के पूजा कर लेनी है। लेकिन कौन सी मूर्ति? अरे बोले जो आपको अनुकूल हो, सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, कोई आग्रह नहीं है। आप कोई सोने की मूर्ति बना के पूजा करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, और लकड़ी की बनाओगे तो नहीं होंगे। आप चाहे सोने की बनाओ चाहे लकड़ी की बनाओ, भगवान को मालूम है ये मेरी मूर्ति है। भगवान तो आपकी भावना को ग्रहण करते हैं, आपके अंदर की आस्था भगवान तक पहुंचती है। और ये जो भी चीजें आपके सामने द्रव्यमयी है, पत्र पुष्प फल का समर्पण है, ये तो केवल उस भाव को पहुंचाने का माध्यम है। वास्तविक आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, समर्पण के आधार के रूप में प्रेम हो और वो वस्तु उसका माध्यम बन जाए। नारद जी महाराज को ऐसा चेला मिला नारायण, ओहो, वो 5 वर्ष का बालक, बहुत संकल्प का धनी बालक, मंत्र मिला, गुरु मिले। नारद जी महाराज के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया नारायण, प्रणाम करके वो चल पड़े, यमुना के पावन तट पर आ गए और एक जगह उन्होंने निश्चित कर ली, यहां बैठ करके मैं तप करूंगा। तपोवनम गते तस्मिन् प्रविष्टो अंतपुरम मुनि अरिता गर्हणराज्ञो सुखासीन उवाचतम। जैसे साधना करने के लिए ध्रुव वन में गए और इधर नारद जी महाराज वो तानपाद राजा के पास जाके समाचार दे दिया कि तुम्हें अपने पुत्र की चिंता नहीं करना चाहिए, तुम्हारा पुत्र वन में बैठकर भगवान की साधना कर रहा है। आप कल्पना कर सकते हो क्या, 5 वर्ष का बालक ध्रुव है और वो वन में यमुना के पावन तट पर बैठकर वो साधना कर रहे हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। हम लोग बहुत ज्यादा सुविधा भोगी हैं, यहाँ कुंभ मेले में जब आते हैं सबसे पहले आदमी फोन करके पूछता है महाराज सुविधा क्या है। बहुत बढ़िया रहने को होना चाहिए, बहुत बढ़िया खाने को होना चाहिए। आप यहाँ तप करने के लिए नहीं आते हैं, तप माने अभावग्रस्त परिस्थिति में रहकर मन को उद्विग्न न होने दे और प्रभु का स्मरण करे, ध्यान करे, साधना करे, सत्संग करे। ये कुंभ मेला कोई कैंपिंग थोड़ी है, भाई हम जंगल में घूमने के लिए गए कैंपिंग करने के लिए, वह आनंद मोद प्रमोद ओ आनंद मना रहे हैं, ये आनंद मोद प्रमोद की जगह नहीं है, ये तो मोक्ष की जगह है। यहाँ तो बहुत ठंडे पानी में सुबह जाके नहाने की जरूरत है, थोड़ा कुड़कुड़ाओ ऐसा हो जाए समझ लो तप हो गया। आप जाके स्नान कर रहे हैं और आपको कष्ट, बहुत ज्यादा ठंड, हमने अभी 4 महात्माओं को संन्यास दे दिया एक साथ, हमारे स्वामी ब्रह्मेशानंद सरस्वती जी, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी, स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी, ब्रह्मचारी ज्ञानेश चैतन्य, स्वामी विजयानंद सरस्वती जी, 5 सन्यासी जी, हमारे शाश्वतानंद सरस्वती जी अभी छोटी है इनकी, हमारे गुरु भाई स्वामी श्रोणानंद जी महाराज काटेंगे इनकी। और जब वहां सन्यास दे रहे थे वहां सारे वस्त्रों को उतार के फेंक दिया उन्होंने, वो सन्यास दोनों हाथ ऊपर करके वो प्रतिज्ञा कर रहे थे, और उस समय जो ठंडी, उस समय ठंडी का समय था, सारे कुड़कुड़ा रहे थे, ओ ऐसा हो रहा था, राम 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 राम। हमने अपने शरीर की चादर उतार के एक
जो ज्ञानेश थे उनके ऊपर डाल दी, मेरे को लगा कि गिर न जाए, इतनी ठंड थी। वो तपस्या है। आप पानी के किनारे जाते ही सोचते हो, ओ पानी में पैर रखूं कि नहीं, रखूं कि नहीं, रखूं कि नहीं, और अंत में निर्णय लेते हो नहीं रखेंगे। गर्म पानी कहाँ मिलेगा, गर्म पानी कहाँ मिलेगा। आपकी तबीयत यदि ठीक नहीं है तो आपको ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और थोड़ा कुड़कुड़ाना चाहिए, थोड़ा कष्ट हो, थोड़ा श्रम हो, ये तप है, उसमें सहनशीलता आएगी, आपके अंदर साहस पैदा होगा, प्रकृति के साथ जीने की एक प्रेरणा मिलेगी, जिसका प्रयोग बीमार लोग न करें। यदि आप स्वस्थ हैं, आपका गला ठीक है, तो आपको कष्ट भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। और वो तीर्थों में ये बात बड़ी तपस्या है, और ये सुविधाओं का त्याग करना ही तो वैराग्य है। धर्म आपको सुविधा के लिए नहीं है, ये आपके जीवन में तपस्या के लिए है। आपको जो सुविधा मिले उसको ले लो, और उसके बाद फिर अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर लगा देना। 5 वर्ष का ध्रुव, उन्होंने नहीं देखा यहाँ खाने की चीजें क्या है, पहनने की चीजें क्या है, ओढ़ने की चीजें क्या है। एक बहुत पुरानी बात है, हम भी 13 वर्ष की उम्र में घर छोड़े और बीच बीच में चले जाते थे, 9 दिन 5 दिन कहीं जंगल में। एक बार नवरात्रि का समय था और ऐसे भयंकर जंगल में चले गए, एक बहुत बड़ा पेड़ था गंगा के किनारे, एक वैष्णव साधु थे, घबरा गए। उन्होंने सोचा कि ये मेरे साथ रहते हैं और ये छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, फिर हमको ये गड़बड़ हो गया तो फिर हमारे ऊपर आएगा। बहुत कोशिश की उन्होंने रोकने के लिए, ना हमने कहा नहीं, जाके बैठ गए। सचमुच वहां कोई सुरक्षा नहीं है, वहां जंगली जीव जंतु हैं, सांप हैं, बिच्छियां हैं, वहां पर रीछ भी थे रात्रि के समय, और जैसे सूर्यास्त हो जाता था तो ऐसा लगता था कि मानो भगवान के अलावा हमारा कोई रक्षक नहीं है। जब सुबह भोर में हम उठते थे तो आसपास एकादी केचुली सांप की हमको मिल जाती थी, एकादी केचुली मिल जाती थी, और कई बार कोई ऐसी चीजें शरीर के ऊपर से होके निकल जाती थी।